हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि स्वामी और स्वागत है आपका कैडीमेट के स्टूडेंट कॉर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट के बारे में। मल्टीलाइन टेक्स्ट क्या है? तो मल्टीलाइन टेक्स्ट की पहले शॉर्ट की देख लेते हैं। तो मल्टीलाइन टेक्स्ट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है एम्प्टी एंटर या टी एंटर आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टी एंटर किया। टी एंटर करने के बाद हम बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैंने फर्स्ट कॉर्नर यहाँ माउस क्लिक किया। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर, मैंने माउस क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने जैसे एमएस ऑफिस में विंडो ओपन होती है ऊपर टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग विंडो आपने यहाँ पर भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्टिंग वगैरह है ना, फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है या पैराग्राफ वगैरह सेट करना है या कुछ उसमें और सिम्बल्स वगैरह इंसर्ट करने हैं, तो आप सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, हमें सीधे एस्केप नहीं करना है, क्योंकि सीधे एस्केप करेंगे तो ये बोलेगा डू यू वॉन्ट टू सेव योर टेक्स्ट और चेंज। ठीक है, तो आप अगर यहाँ सीधे एस्केप करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा, तो इससे बेटर क्या ऑप्शन है कि आप बाहर क्लिक करो, बाहर क्लिक करने के बाद में अपने आप बाय डिफॉल्ट एग्जिट हो जाएगा। मल्टीलाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि एडिटिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको, या तो ए डी एंटर कर सकते हैं या आप सीधे इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद में वापस से वही विंडो ओपन हो जाती है, तो उसका फ़ायदा ये है कि आप वापस से वही विंडो ओपन होती है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आप उसकी टेक्स्ट की हाइट वगैरह आप यहाँ से आप खुद भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लाइक टू फिट एंटर, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आप दे सकते हैं, लाइक टू फिट एंटर। क्लियर, आप इसके यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका कलर वगैरह है, बोल्ड रखना है, अंडरलाइन लगानी है, ठीक है, इटैलिक रखना है, अपर अंडरलाइन है, जो भी फॉन्ट वगैरह आप इसको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, लाइक कौन सा आपको रखना है, लाइक मैंने कर दिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, इसके अलावा उसका कलर वगैरह है, उसका फॉर्मेट वगैरह है, जस्टिफिकेशन टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर, तो ये जो चीज़ें होती है ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए होती है, किधर से आपको रखनी है। इसके नंबरिंग वगैरह है, बुलेट या नंबरिंग अगर आपको करनी है तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे बुलेट या नंबरिंग आपको करनी है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आप चलाएंगे आगे की तरफ फर्दर, और यहाँ पर कर सकते हैं एम एस ऑफिस की तरह ये सिंपल। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसका पैराग्राफ अगर सेट करना है तो सेलेक्ट करके आप पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि लाइक मिड में रखना है, राइट से रखना है, लेफ्ट से रखना है, कहाँ से रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। कॉलम वगैरह अगर आपको अलग से ऐड करने हो तो कॉलम वगैरह आप अलग से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे भी हैं। सिंबल वगैरह अगर आपको लेने तो सिंबल वगैरह आप ले सकते हैं। ये बेसिकली डायमेंशन वगैरह में मैं आपको सिंबल बताऊँगा, ठीक है, किस तरह से सिंबल वगैरह लेने हैं। आप यहाँ पर भी अगर आपको सिंबल वगैरह लेने हैं, जैसे डायमीटर कहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है जैसे डायमीटर इतना, टी एंटर किया, मैंने क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पर लिखना है डायमीटर, तो यहाँ पर डिग्री है, डायमीटर है, या आप यहाँ पर देख भी रखा है इसने परसेंट परसेंट सी, तो आप ये टाइप भी कर सकते हैं, लाइक परसेंट परसेंट सी, तो सीधे डायमीटर का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, जैसे डायमीटर 10। ठीक है, तो ये सिंबल्स वगैरह आप यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर फाइंड रिप्लेस डिक्शनरी वगैरह के जो जनरली अपने टेक्स्ट में होते हैं, टेक्स्ट के लिए होते हैं, वो यहाँ पर है। मल्टीलाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि एडिटिंग ऑप्शन आप सीधे डबल क्लिक कीजिए, वापस से आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था सिंगल लाइन टेक्स्ट, अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो पिछली वीडियो देखिए। सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि आप अगर एडिटिंग करते हैं तो सिर्फ आप टेक्स्ट ही एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट स्टाइल के बारे में, तो जुड़े रहिए कड़ी।